और वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल सर, आज आपकी बातों को सुन के मैं धन्य हो गया और मुझे जीवन में एक नई राह मिल गई। नहीं तो बोला, मैं पढ़ रहा था और पढ़ा भी रहा था, लेकिन जा रहा था मैं अंधकार की दिशा में। मैं पढ़ भी रहा था और पढ़ा भी रहा था, लेकिन जा रहा था मैं अंधकार की दिशा में, जहां 7 साल बाद मेरी पेंशन होनी थी। पेंशन इन द सेंस कि मेरी इनकम कम हो जानी थी, सोर्स ऑफ अर्निंग मेरी कम हो जानी थी, जरूरतें बढ़नी थी, बच्चे हैं, ये है, वो है, जो भी चीजें उन्होंने बताई, बड़ी कमाल। बोला मैं पढ़ भी रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे जीवन का चैलेंज है, हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और किस दिशा में जा रहे थे। तो अंधकार की तरफ हो गया। स्वर्ग किसी और दुनिया में है नहीं, स्वर्ग इसी दुनिया में है कि नहीं? बिल्कुल इसी दिशा में, यहीं पर ही है। अगर आप 24 घंटे में 25 घंटे दुखी रहते हो, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो, इसकी वजह क्या है? आप जीवन में जो पाना चाहते थे वो नहीं मिला ना, यस मैम, अपनी योग्यताओं को देख के आप और वो हो गए रहे। बिल्कुल पढ़ भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन भविष्य जा रहा अंधकार की दिशा में और समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। अब इस एज में बोला मैं कौन सी तैयारी कर सकता था, क्या करूं, और 7 साल बाद पेंशन जाना है, ये दिख रहा है, तनख्वाह कम हो जाएगी, ये दिख रहा है, इनकम कम हो जाएगी, जरूरत ज्यादा होगी, अभी पूरी नहीं हो पा रही, अभी ऐसा लग रहा है कि महीने का एंड माइनस में है। सही बात है। बोला बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, गलती से कानपुर शहर के अंदर एक छोटा सा मकान बना लिया। छोटा सा मकान मतलब इले के बाद अगर 40-50 लाख का मकान बनाया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 40-50 लाख के मकान में 7 साल नौकरी बची हुई है और अभी भी 32 लाख का लोन, अभी भी आधी तनख्वाह लोन में ही जा रही, अभी भी कार अफोर्ड नहीं हो पा रहा है ठीक से,